हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गई। प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 20B से क्वेश्चन नंबर 14 तक हम सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। ये 15 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व करके आपको समझा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप खुद से अटेंड करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। अगर कुछ डाउट है तो मैं आपको रिप्लाई कर लूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट, तो ये जो फिगर हमारे बुक में ऑलरेडी है, मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया हूँ। तो शेडेड रीजन मतलब ये हमारा शेडेड पार्ट है, करेक्ट। और यहां से यहां तक जॉइंट नहीं है, तो इसको जॉइंट करने के लिए हमको ये पार्ट जॉइंट करना होगा। ये एक रेक्टेंगुलर है, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। ये बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है, और ई एफ जी एंड यहां पर बी ऑलरेडी गिवन है, आपको नेमिंग करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ई जी बी एफ ई एफ जी बी कुछ भी आप नेमिंग, बस नेमिंग आपका करेक्ट होना चाहिए। तो इसी में से हमारा लेंथ कितना, फर्स्ट हम ये जो फिगर लेंगे, लेंथ हमारा कितना दिया गया है 24 मीटर, करेक्ट। यहां से ई जी, ई जी कर लू, ई जी यहां पर लिख देती हूं आपको कंफ्यूजन ना हो, 24 मीटर। एंड एफ बी हमारा कितना होगा, 24 माइनस 4, आप ऐसे भी कर सकते हो, करेक्ट। तो ये हमको लेंथ और नहीं चाहिए, पर ये जो जी बी वो कितना होगा, टोटल हमारा जी सी, सी जी आप लिख सकते हो, अदरवाइज जी सी भी लिख सकते हो, सी जी हमारा कितना 19 मीटर गिवन है, करेक्ट। और यहां पर अगर मैं नेमिंग करूंगी ई एफ जी, अगर एच करूंगी तो एफ एच कितना, एफ एच हमारा 16.5 मीटर है कि नहीं, वो भी ऑलरेडी गिवन है। तो एफ एच 16.5 और यहां से यहां तक हमको चाहिए, वो कैसे आएगा, 19 माइनस 16.5। तो जी सी सी जी कैसे होगा, सी जी सॉरी बी जी हमको कैसे चाहिए, बी जी इज इक्वल टू कितना, बी जी हमारा 19 माइनस 16.5। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहां से एफ एच मैं बस नेमिंग कर रहा हूं, आप बिना नेमिंग के भी चेक कर सकते हो, यहां से यहां तक 16.5 मीटर है और टोटल लेंथ हमारा 19 मीटर है। बस जो पार्ट हमको चाहिए वो कितना होगा, 19 माइनस 16.5। तो 19 माइनस 16.5 कितना हो जाएगा, 19 माइनस 16.5 2.5, इसको इरेज कर लेते हैं, 2.5 मीटर, ये बी जी आ गया, करेक्ट। अभी हमको इस रेक्टेंगल का एरिया हम पता कर सकते हैं, एरिया ऑफ ई एफ जी बी, ई एफ जी बी रेक्टेंगल का एरिया कैसे पता होगा, लेंथ हमारा एल इंटू बी जो कि 24 इंटू, उसका जो विड्थ कितना, मतलब आप ब्रेथ उसको बोलते हो, वो हमारा 2.5 निकला है, करेक्ट। तो कैसे 24 इंटू 2.5, 24 इंटू 2.5, सिक्स हंड्रेड। और यहां पर एक पॉइंट के बाद, मतलब नंबर से एक नंबर से पहले पॉइंट है, तो 60.0 जो कि फाइनल हमारा 60 मीटर स्क्वायर, करेक्ट, एरिया ऑफ ई एफ जी बी। नेक्स्ट हमको कौन सा एरिया चाहिए,
इस एरिया चाहिए क्योंकि हमको शेडेड रीजन चाहिए, ये फिगर हमको कट करना है क्योंकि ये फिगर का एरिया हमको पता नहीं करना है। तो यहां से यहां तक कितना होगा 24 माइनस 4, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहां से यहां तक 19 माइनस आप यहां से कितना हम निकाले, नहीं वो नहीं चाहिए, ये हमारा 4 है और ये हमारा 16.5 है, ऑलरेडी वो दोनों इस रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, ठीक है। यहां से यहां तक गिवन है 4 मीटर और ये जो 6.5 एफ एच है ए डी भी सेम है, तो लिख देते हैं एरिया ऑफ कौन सा ए बी सी डी, ए बी सी डी जो कि लेंथ इनटू ब्रेथ एंड 16.5 इनटू 4 वो ऑलरेडी गिवन है दोनों को दोनों, तो 16.5 एंड ये हो गया 4 हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 को सिक्सटी सिक्स और एक पॉइंट के बाद मतलब एक नंबर से पहले तो 66 आ जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं, तो वो हमारा मीटर स्क्वायर 66 मीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन टोटल करना है ना, क्योंकि ये टोटल हमारा शेडेड पार्ट है, ये पूरा जो दो रेक्टेंगल में हम डिवाइड किए, दो रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल चुके हैं, तो एरिया टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन करेक्ट कितना 60 प्लस 66 जो कि 6126 मीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर। सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड पार्ट का हम कैसे किए, अगर आपको ऐसे कोई भी मतलब नेमिंग ना किया हो, फिगर ऐसे दिए रहेंगे, आप खुद से उसको रेक्टेंगल शेप और स्क्वायर शेप बना के नेमिंग करके आप निकाल सकते हो करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 15 नंबर 2 में जो फिगर दिया गया है आप खुद से उसको रेक्टेंगल बना के मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन द गिवन फिगर ऑल स्टेप्स आर 0.5 मीटर हाई, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपके बुक में ऐसे फिगर ऑलरेडी गिवन है, इस फिगर में 3.5 मीटर हमारा उसका फर्स्ट स्टेप का लेंथ दिया गया है, ठीक है, तो हमको खुद से फाइंड आउट करना है बाकी स्टेप्स का लेंथ, और इसका जो हाइट है 0.5 मीटर गिवन है, तो हम एक एक करके निकालेंगे उसके बाद हम एरिया निकालेंगे, वो कैसे, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप कितना ऑलरेडी गिवन है 3.5 मीटर है कि नहीं, और लेंथ ऑफ सेकेंड स्टेप हम कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ सेकेंड स्टेप, ये हमारा सेकेंड है सेकेंड स्टेप, वो कैसे, देखो यहां से यहां तक 3.5 है और ये 0.5 यहां से कट होगा, 0.5 यहां से कट होगा, तो कैसे 3.5 माइनस, ठीक है 3.5 माइनस 0.5 कितना होगा 1, तो 1 माइनस हो जाएगा 2.5 मीटर। ये सेकेंड स्टेप का सेम टू सेम लेंथ ऑफ थर्ड स्टेप कितना 2.5 से जाएगा, 2.5 माइनस सेम 0.5 ही है, तो दोनों तरफ से 0.5 मतलब 1 ही कट होगा, तो 1 कहां से आया आपके दिमाग में आएगा, 0.5 प्लस 0.5 आपको माइनस करना है, मतलब लेफ्ट से आपको 0.5 कट करना है, राइट से आपको 0.5 कट करना है, तो उसी हिसाब से कट करने के बाद हमको लेंथ आएगा ना, तो 2.5 से सेम 1 माइनस करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा 1.5 मीटर लेंथ ऑफ थर्ड स्टेप। लेंथ ऑफ फोर्थ स्टेप 1.5 से जाएगा, 1.5 से सेम 1 जाएगा क्योंकि सारे का मेजरमेंट हमारा 0.5 मीटर ही है,
तो 1.5 से ये जाएगा तो 0.5 मीटर रहेगा, फाइनल फोर्थ स्टेप का 0.5 आ जाएगा। तो लेंथ पता चल गया और उसका ब्रेथ ऑलरेडी गिवन है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्टेप 3.5 इंटू 0.5, 0.5 गिवन है, 3.5 भी गिवन है, तो क्या करेंगे 3.5 1.75 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड वन आई जी, एरिया ऑफ सेकेंड स्टेप 2.5 इंटू कितना आ जाएगा 0.5, हमारा लेंथ हमने पता कर लिया ना, तो अभी इजी हो जाएगा क्योंकि ब्रेथ हमारा ऑलरेडी गिवन था, तो 2.5 1.25 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ थर्ड स्टेप वो कैसे 1.5, थर्ड स्टेप का लेंथ 1.5 इंटू 0.5 0.75 करेक्ट। नेक्स्ट एरिया ऑफ फोर्थ स्टेप कितना 0.5, क्योंकि वो स्क्वायर बन गया, फोर्थ वाला स्क्वायर बन गया, तो 0.5 उसका लेंथ, 0.5 उसका ब्रेथ, तो 0.5 0.25 मीटर स्क्वायर, 0.25 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, खत्म। ये हमारा एरिया सारे का आ गया, सारे स्टेप्स का एरिया हम पता कर चुके हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब टोटल रीजन हमको चाहिए, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसे आप लिख सकते हो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आप 1.75 प्लस 1.25 प्लस 0.75 प्लस 0.25, आप यहां ऐड कर सकते हो कितना आ जाएगा 0, ये भी 0, देन 4.00, क्योंकि पॉइंट हमको एडिशन में कैसे लगाना है, जिसके नीचे रहेगा उसी के नीचे हमको पॉइंट, आप इधर अगर काउंट करोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। देखो मैं यहाँ पर लिखी हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मैं यहाँ पर और एक बार लिख देती हूँ 0.25 ठीक है मीटर स्क्वायर, यहाँ आपको दिखा देती हूँ 5, 5, 10, 10, 10, 20, 0, 2 करेक्ट, 2, 2, 4, 4, 7, 11, 11, 2, 13, 13, 7, 20 अगेन 0, 2, 2 plus 2, 4, तो पॉइंट कैसा आएगा 1, 1, 1 इसके नीचे पॉइंट आ जाएगा, तो इसको अभी इरेज कर सकते हैं हम ठीक है। देन मीटर स्क्वायर, तो इसको इरेज कर लेते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको एडिशन में पॉइंट लगाना है, तो 4.00 मीटर स्क्वायर, मतलब 4 मीटर स्क्वायर टोटल रीजन, शेडेड रीजन का एरिया करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।